हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है आज के नए एपिसोड में। तो गाइस, आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो है नीचे। ये देखो, वो दिख रहा है कुछ कुछ छोटा मोटा, वो देखो भाई, ये देखो मैंने एक ग्रीन हाउस बनाया है गाइस, और उसके बगल में एक और हाउस बनाया है, स्टोरेज हाउस बनाया है। और ग्रीन हाउस में क्यों बनाए हो आपको तो पता ही होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस में उग सकते हैं वेजिटेबल्स। यानी अब मैं बनने जा रहा हूँ किसान, यानी फार्मिंग करने जा रहे हैं गाइस, खेती, आलू, गाजर, टमाटर, प्याज, ये सब उगाने वाला हूँ मैं आर्क में। लेट्स गो गाइस, यहाँ पे मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है भाई उधर पे। एंड यहाँ पे भाई इन्वेंटरी नहीं खुला, लेट्स गो गाइस। अब ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ गाइस मैंने क्या बनाया। ये देखो गाइस, खेती बनाया, यहाँ पे सारा पानी वाला सिस्टम है, पानी आप पी सकते हो यहाँ पे। एंड ये देखो खेती खाती बना दिया मैंने, यहाँ से थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, गेट बंद कर देते हैं। एंड ये देखो पूरा ग्रीन हाउस बना हुआ है, थोड़ा सा साइड में जगह पे है, और ये पानी वाला है, मतलब वहाँ से पानी आ रहा है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा जगह है जहाँ पे मैं डाइनो को रखने वाला हूँ, जो यहाँ पे यूज़ होने वाला है डाइनोज, उसको उधर पे रखूँगा। एंड ये स्टोरेज बॉक्स है, ये कॉम मतलब ये बिन है जिसके अंदर फर्टिलाइज़र तैयार होता है, और ये चार स्टोरेज बॉक्सेस रखे हैं, और दो फ्रिज रखा है, क्योंकि यहाँ से सब्जियां ख़राब ना हो जाए इसलिए दो फ्रिज बना दिया है, और इलेक्ट्रिक तो चाहिए उसके लिए, वो लगा दिया मैंने अभी। यहाँ से सबसे ज़रूरत जो काम है गाइस, इलेक्ट्रिक वाला आइटम बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे ऑयल चाहिए, और मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया है कि ऑयल हमें कहाँ मिलेगा। पहले तो ये देखो सप्लाई कैरेट में क्या है, एंड ये कुछ ब्लूप्रिंट है और एक सैडल है, और ये सैडल पता नहीं किसका भाई, मेरे को नीचे है, छोड़ो। लेट्स गो गाइस, मैं सबसे पहले जो दोस्त ने बताया वहाँ पे जाके मैं फ्यूल को लेने वाला हूँ, मतलब ऑयल मिलेगा, ऑयल का लोकेशन उसने बताया मुझे। यहाँ से सबसे पहले सीधा चलते हैं भाई, ऑयल कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से सीधा मैप में जाके कुछ पहाड़ वाला एरिया है, बर्फीला एरिया, वहाँ पे हमें ऑयल मिल सकता है। एंड यहाँ पे कौन से दो टेजा पेरा है, टैप पे जा रहा है जो कि 48 और 20 लेवल का है। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए मेरे को बड़े लेवल से, 148 मिले तो पकड़ भी लूँ, लेकिन अभी छोटे मोटे नहीं चाहिए। लेट्स गो गाइस, यहाँ से सीधा निकलते हैं अभी हम ऑयल की लोकेशन की तरफ, और यहाँ पे गंदे पानी में दो स्पाइनोज हैं जी, गंदे पानी में देखो दो स्पाइनो मज़े कर रहे हैं, और जो कि 8 लेवल का है एंड 20 लेवल का। इतने कम कम लेवल्स के डायनो मिलते हैं ना कि मत पूछो। अभी यहाँ से सीधा चलते हैं भाई, अपना काम पे फोकस करते हैं, लेट्स गो गाइस। यहाँ पे ब्रोंटो के मज़े भाई, मेरा स्टैमिना लो हो गया है भाई, इधर पे इतना बोल दिया ना मैंने कि स्टैमिना ही नहीं, इतना उड़ गया है मैंने कि स्टैमिना लो चुका है हमारा, थोड़ा सा रिकवर कर लेते गाइस। ये देखो खून की नदी है यार, ये नदी इतना लाल है और इतना गंदा है, क्या पता भाई यहाँ पे डाइनोज के लाश वाश मिल रहा है, आई डोंट नो भाई। इतना खून का नदी बह रहा है यहाँ पे, गंदा खून का नदी। ओके, अभी यहाँ से अभी आगे निकलते हैं, यहाँ पे पानी पीने लायक भी नहीं है गाइज, इतना गंदा है। लेट्स गो गाइज, यहाँ पे हमें थोड़ा बर्फीले एरिया पे जाना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने कपड़े नहीं बनाए बर्फ़ वाले एरिया के लिए, हमें यहाँ पे सीधा मेटल वाले आर्मर को ही पहना है, और उसी से हम जा रहे हैं। मतलब मेरा बर्फीले एरिया में हेल्थ तो जाने वाला है, बट क्या कर सकते गाइज, हमें ऑयल चाहिए होगा, थोड़ा सा ऑयल लेके हम जल्दी से घर पर आ जाएंगे अपना हेल्थ गिरने से पहले। यहाँ पे जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, बहुत दूर है यार, पेट्राडॉन का स्टैमिना तो इतना बेकार है मत पूछो, ये गलती हो चुका है मेरे साथ। यहाँ पे थोड़ा सा स्टैमिना रिकवर कर लेते हैं, और गलती ये हुआ है गाइस क्योंकि मैंने अपना पेट्राडॉन के स्टैमिना पे एक भी लेवल नहीं दिया, सब मैंने मूवमेंट स्पीड पे दे दिया ताकि स्पीड हो, और मैं पछता रहा हूँ क्योंकि इसके स्टैमिना में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कार्नो मेरे पे भड़क चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हम निकल सकते हैं आगे। एंड यहाँ पे ऑयल का लोकेशन तो यही था गाइज, यहाँ पे एक पत्थर है और वो देखो काला काला पत्थर दिख चुका है, यानी यही है हमारा ऑयल, यही है। आई नो यही है ना। ओके, मुझे उतर के टेस्ट मतलब देखना पड़ेगा, अपना हैचेट निकाल के देखते गाइज, लेट्स टेस्ट दिस रॉक एंड ओके, हमें ऑयल मिल रहा है गाइज। अबे क्रॉसबो नहीं, ओके इससे मिल रहा है क्या, ओके पिकैक्स से ही मिल सकता है। तो गाइज हम यहाँ पे जल्दी से सारे ऑयल्स को ले लेते गाइज, और यहाँ पे 100-200 ऑयल तो मैं मतलब अपने वर्ल्ड में, अपने आग के वर्ल्ड में मैं अरबपति बनने वाला हूँ तेल बेच बेच के गाइज। मैं यहाँ पे इतना ऑयल लूँगा कि पूरा सऊदी अरेबिया का कुआं खोलने वाला हूँ यहाँ पे ऑयल से, और आपको भी चाहिए होगा तो ऑर्डर कर लेना। ओके, यहाँ पे हमें 200 ऑयल मिल चुका है गाइज,
यार लेकिन मैं गलत डाइनो लेके आ गया, इसका तो वेट ही नहीं उठा सकता ये इतना सारा, मुझे दूसरा डाइनो लेके आना पड़ेगा यार। ओके तो मैं राइनियोनाथा को लेके आ चुका हूँ, यहाँ पे इसकी इन्वेंटरी में बहुत सारा वेट कलेक्ट कर सकता है ये, तो मैं पेट्रोडॉन को लेके मतलब बैरी को लेके आ गया था, वो वेट ही नहीं उठा सकता, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा यार वापस जाने में और लेके आने में अपना राइनियोनाथा। यहाँ पे अब हम बहुत सारा ऑयल कलेक्ट कर सकते हैं और उसे अपने राइनियो पे डाल सकते हैं। गाइज लेट्स गो, यहाँ पे हमें बहुत सारा ऑयल चाहिए रहेगा, मतलब हमारा पूरा ऑयल को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें फ्यूल में। ओके तो हमारा हेल्थ का बैंड बच चुका है क्योंकि ये बर्फीला एरिया है और ठंड के मारे मेरा पूरा बैंड बच चुका है और मैंने काफ़ी ऑयल तो कलेक्ट कर ही लिया है, बट यहाँ से निकलना मुझे जल्दी पड़ेगा क्योंकि हेल्थ हो रहा है मेरा बहुत लो और मुझे भूख भी बहुत लगा। गाइज लेट्स गो गाइज, जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं वरना किसी भी वक्त मैं मर सकता हूँ, क्योंकि वेट तो बहुत है यार, वेट तो बहुत है, बहुत सारा ऑयल मैंने लिया था, आपको दिखाता हूँ कितने सारे ऑयल है। ओके यहाँ पे बर्फीला एरिया वाला ख़त्म हो गया, ये देखो कितने सारे ऑयल मैंने ले लिया गाइज, मज़ा ही आ गया। यहाँ से सारे ऑयल को लेके जाने वाला हूँ गाइज मैं सीधा अपने मेटल वाले एरिया पे, जहाँ पे मैं उसे अपना फ्यूल में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पे हम आ चुके अपने मेटल वाले एरिया पे गाइज, यहाँ पे अपने फॉर्ज में सारे रॉ ऑयल को डालने वाला हूँ और उसे मैं फ्यूल में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पे इसको पहले इस फॉर्ज को बंद करते हैं और यहाँ पे फालतू में ये जल रहा था यार। यहाँ से सारे हाइड को ले सकता हूँ और रॉ ऑयल और हाइड को मिला के हम फ्यूल बना सकते हैं गाइज। यहाँ से जल्दी सारे ऑयल्स को ले लेते हैं, यहाँ से ऑयल ही लूँगा। ये आ जा भाई, सारे आ जा, इतने सारे ऑयल है कि मज़ा ही आ जाएंगे गाइज, पूरा फ्यूल फ्यूल होगा। यहाँ पे अपना अबे वेट ही भर चुका है हमारा, यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा इन्वेंटरी और एक फ्यूल तो चाहिए हमें उसको ऑन करने के लिए। यहाँ पे सारे ऑयल्स को मैंने रख दिया, अब इसको जलाने के लिए हमें हाइट चाहिए। ओके सारे हाइट्स को ले लेता हूँ मैं, हाइट का कमी तो पक्का पड़ेगा और इसको ऑफ कर देता है, ये फालतू में वेस्ट हो रहा है हमारा वुड। लेट्स गो गाइज, यहाँ पे सारे हाइट को डालते हैं और ऑन करते हैं और देखो गाइज इतना जल्दी हमारा फ्यूल बनने वाला है कि मत पूछो, मतलब फ्यूल का किंग हो जाऊँगा मैं। ओके तो यहाँ पे काफ़ी वेट मैंने कर लिया है, यहाँ पे अभी देखते हैं कितने सारे फ्यूल बने और ये देखो गाइज कितने सारे 100 बने हमारे, मतलब काफ़ी भाई 400-500 तो नहीं, 400-500 नहीं, 1000 तो बनी गए होंगे, आई डोंट नो कितना है बट काफ़ी है गाइज। इन सब को मैं लेके जाने वाला हूँ और सबसे पहले सबको मैं डालने वाला हूँ अपने इलेक्ट्रिक जनरेटर में ताकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी अपने घर पे आए। तो गाइज काफ़ी साल हो गए मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, अब बारी आ चुका है गाइज अपना उजाला करने का ज़िंदगी भी। लेट्स गो, यहाँ से सीधा निकलते अपने घर के तरफ जहाँ पे मैं सारे इन्वेंटरी में मतलब जनरेट, अरे एक मिनट, यहाँ के जनरेटर को तो ऑन ही करके छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे मैंने एसी वेसी लगाए थे गाइज, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एसी लगाया था और मैंने फालतू में उसमें भी फ्यूल डाल के ऑन किया इसको, तो हाँ इधर पे इलेक्ट्रिसिटी सेव करते गाइज, फ्यूल को सेव करते इसलिए मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ से सीधा अपने घर की तरफ निकलते गाइज, लेट्स गो। ये देखो कितना बादल है भाई, यहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं मेरे को, हर बार इतना धुआं रहता है कि मत पूछो, बादल है सॉरी धुआं नहीं। यहाँ पे सबसे पहले अपने जनरेटर पे डालते गाइस, सबसे पहले यहाँ पे फार्मिंग वाले एरिया पे डालूंगा मैं फ्यूल को, यहाँ पे नहीं है यार, यहाँ पे है, यहाँ पे जनरेटर पे हम अपना फ्यूल को डाल देते हैं। लेट्स गो गाइस, अबे एक्सेस तो कर ले, एक्सेस ओके, एक्सेस हो चुका है। यहाँ पे 200 फ्यूल आई गेस इतना इनफ होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होने वाला भी नहीं है, 400 डाल देते हैं गाइस, 400 काफ़ी रहेंगे। और यहाँ पे हमारा फ्रिज व्रिज सब हो चुका है भाई रेडी, मज़ा ही आ गया भाई। अब यहाँ पे सारे सीड्स को भी मैं डालने वाला हूँ सारे, देखो अगर मैं नॉर्मल स्टोरेज में रखता तो वो सीड्स ख़राब हो जाते, लेकिन अब मैं रेफ्रिजरेटर में रख सकता हूँ। यहाँ पे गेट क्लोज कर देते हैं गाइस, यहाँ पे सारे सीड्स को पहले मैं इधर पे डाल देता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं डालूंगा वहाँ पे हमारा पौधा उगना स्टार्ट हो जाएगा, खेती में गाजर मूली सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा गाइज उगने के लिए। और मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अब नॉन वेजिटेरियन नहीं बनना चाहता, अब मैं वेजिटेरियन बनना चाहता हूँ गाइज, तो मैं अब नींबू आलू पकौड़ा सब कुछ, पकौड़ा नहीं नींबू आलू ये सब खाने वाला हूँ, जो यहाँ पे मैं उगाऊंगा उसी को खाऊंगा। अब मैं यहाँ पे वेजिटेरियन बॉय बन चुका हूँ, लेट्स गो गाइज। यहाँ पे सब में सीड डाल देते हैं और सीड डालने से होगा हमारा पौधा ग्रो, लेट्स गो गाइज। यहाँ पे नारकोटिक्स भी उगा लेते हैं एंड यहाँ पे हमें बहुत सारे सीड्स को डालना रहेगा क्योंकि मैंने कम से कम 30-40 तो डाले हुए हैं, 36 तो मीडियम क्रॉप प्लॉट को मैंने लगाया है, तो मुझे 36 जगह सीड डालना पड़ेगा, तो मैं आपको एक एक करके दिखा नहीं सकता इसलिए मैं आपको सब में डाल के दिखाता हूँ भाई।
और लेट्स गो गाइज। ओके, तो मैंने सारे में सीट डाल दिया, ये हमारा आखिरी था। अभी यहाँ से हम निकलते हैं अपने घर की तरफ, वहाँ पे भी हमें फ्यूल को डालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो भाई, हमारा फ्रिज व्रिज रेडी हो चुका है, बचे हुए सीट्स को मैं फ्रिज में डाल सकता हूँ। और देखो इनका स्पॉइल टाइम काफ़ी हाई हो चुका है गाइस, 15 घंटे हो चुके हैं। अगर मैं ऐसे रखता तो सेकंड्स में ख़राब होते, लेकिन अभी 15 घंटा हो चुका है गाइस। यहाँ पे गेट को क्लोज करके निकलते अपने मेन घर में, वहाँ पे भी हमें पूरा फ्यूल को भरना पड़ेगा। वैसे तो एक ही जनरेटर हमारा काम कर देगा। लेट्स गो गाइस, यहाँ पे हमारा एक जनरेटर, और इसके अंदर हम थोड़ा सा फ्यूल एक्सेस करने में दिक्कत होता है यार। सारे फ्यूल्स को मैंने रख दिया, टर्न ऑन कर देते हैं। एंड ये देखो हमारे घर पे बिजली आ चुकी है गाइज, पूरी बिजली बिजली हो गई, मजा आ गया गाइज। लेट्स गो, मैं आपको दिखा नहीं सकता यार, रोशनी आ रहा है, वरना ये पूरे वायर्स येलो येलो हो चुके हैं गाइज, यानी हमारे घर में फुल ऑन बिजली है। ये देखो एसी हमारा चल रहा है, यहाँ पे दो रेफ्रिजरेटर भी चल रहे हैं। एंड ये क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं चल रहा? अच्छा ये तो ग्राइंडर है, इसको तो फ्यूल लगेगा गाइज, ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलेगा। और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ऊपर अरे नहीं, मुझको दो फ्यूल और लेके आना पड़ेगा गाइज, ताकि मैं अपने ग्राइंडर और अपने कुकर में भी रख लूँ, इंडस्ट्रियल कुकर में। तो यहाँ से हम थोड़ा सा 200 फ्यूल ले लेते हैं गाइज, 200 फ्यूल 100-100 डाल दूंगा और अपना काम हो सकता है। लेट्स गो गाइज, जल्दी से चलते हैं और अपने इंडस्ट्रियल कुकर में डाल देते हैं फ्यूल को। यहाँ से थोड़ा सा 100 फ्यूल यहाँ पे रखने वाला हूँ, ताकि इसको भी हमें यूज़ करने वाला हूँ। ये वाले से हम बहुत सारे सामान बना सकते हैं फैब्रिकेटर से। ये देखो ये वाला भी एसी चल गया है। अब यहाँ पे कुकर में भी रख देते हैं गाइज, इंडस्ट्रियल कुकर में भी हमने 100 फ्यूल रख दिया, यानी सारे जगह हमारा फ्यूल हो चुका है गाइज। यहाँ पे मैं अटक गया भाई, ये क्या हो रहा है यार, ये तो हद हो गया भाई, ये जगह जगह पे अटक जाता है। ओके, यहाँ पे मैं सारे आर्मर्स को पहन लेता हूँ। अब यहाँ पे बारी आ चुका है भाई यहाँ पे निकलने का, और यहाँ पे अपने राइनियोनाथा से निकलते हैं गाइज। लेट्स गो, और निकल के मैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने वाला हूँ अपने फार्मिंग एरिया के लिए, खेती करने के लिए मुझे लेके आना होगा बीटल गाइज। यहाँ पे बीटल लेके आना पड़ेगा मुझे, यहाँ से हम सीधा निकलते हैं गाइज बीटल के तरफ। हमें बीटल पता है कहाँ मिलेगा गाइज, केव में। एंड यहाँ पे अपने जग्गू को लेके चलते हैं गाइज, केव के एरिया में आ चुके हैं हम थोड़ा सा। यहीं पे आसपास हंटर केव है गाइज, वहाँ पे हमें बीटल मिलेगा, क्योंकि मैं हंटर केव को क्लियर कर चुका हूँ आर्टिफैक्ट ऑफ हंटर के लिए, वहाँ पे मुझे बीटल दिखे थे। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ गाइज अपने जग्गू को लेके, वहाँ पे बीटल्स को पकड़ने के लिए, टेम करने के लिए बीटल्स को। और बीटल टेम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो अच्छे से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं गाइज, और फर्टिलाइज़र हमारा मस्ट है खेती करने के लिए वहाँ पे, तभी हमारा गाजर मूली नींबू ये सब उगेगा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बीटल को टेम करने के लिए, क्योंकि बीटल बहुत जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र बनाता है गाइज। लेट्स गो, यहाँ पे अपने जग्गू को छोड़ते हैं। जग्गू नीचे हो जा भाई, जग्गू लेट्स गो गाइज, यहाँ पे अपने जग्गू को पकड़ के निकलते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी तो कर लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा टॉर्च जला लेते हैं गाइज। लेट्स गो, अब अंदर चलते हैं। यहाँ पे अब मुझे डर नहीं लगता गाइज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ख़त्म किया है इस केव को, और काफ़ी नॉर्मल है, डिसेंट सा है। बस 2-4 शार्कों से डर लगता है, जो कि पानी में जाऊँगा तभी डर लगने वाला है, ऐसे तो नहीं लगने वाला। लेट्स गो, यहाँ से अब सीधा सीधा निकलते हैं। काफ़ी उबड़ा खबड़ा रास्ता है यार, एक सीधा रास्ता है ही नहीं जाने के लिए, यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट वाला रास्ता है। बट जो भी बोलो, केव इसी को कहते हैं, अगर सीधा रास्ता होता तो हाईवे नहीं बोलते। लेट्स गो गाइज, यहाँ से अभी सीधा सीधा चलते हैं और देखते हैं हमें बीटल कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे सांप मकड़ी आओ, बहुत सारे मकड़ी सांप आ चुके, सबको ख़त्म करना पड़ेगा, सबको ख़त्म करना। आ जाओ भाई मेरे पीछे पीछे, आ जाओ मेरे पीछे। अरे ये आर्थोपोडिया कुछ ऐसे ही नाम है इसका। ओके, मर गया, मार इसको, 120 लेवल। आर्थोपोडिया जो भी नाम है यार, बेकार सा नाम, काला सांप, बेकार सांप। ओके, मर चुका है, 116 लेवल का यार, काफ़ी हायर लेवल्स के डाइनो इधर पे, मैं पकड़ने आऊँगा इन सबको। एंड यहाँ पे मकड़ी देखो, एक बीटल मुझे दिख चुका है, लेकिन पहले मुझे मकड़ियों को मारना पड़ेगा, उसको डैमेज नहीं देना है। अरे उसको डैमेज नहीं देना भाई, मेरे को जाने दे, निकलने दे पीछे। अब आ मकड़ी। एंड वहाँ पे एक डंग बीटल मुझे दिख गया गाइज, ये देखो इसी को बीटल कहते हैं, बट यहाँ पे मकड़ियाँ दबा के हैं, एंड उसके वजह से मैं फंसा हूँ। एक सेकेंड, पहले मुझे सारे मकड़ियों को मारने दो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वो डंग बीटल कैसा दिखता है। एंड हैवी गो गाइज, एक और यार, मैं सोच रहा हूँ मकड़ियाँ ख़त्म हो गई, यहाँ पे मकड़ियाँ आते जा रही है यार।
हद है यार। ओके यार टाइटेनो बोआ मिल चुका है और इसको भी मारना पड़ेगा। दो भाई ये क्या यार, इतने सारे कीड़े मकोड़े दोबारा। मैं तो सोचा कि केव को मैंने खत्म कर दिया है और यहाँ पे ज्यादा कीड़े नहीं होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे भर भर के कीड़े पीड़े हैं। और अभी देखते हैं भाई कहाँ पे है वो डंग बीटल। हाँ यहीं पे देखो, ये देखो ये हमारा डंग बीटल है और इसको थोड़ा सा लेवल देखते हैं गाइज। यहाँ पे दो डंग बीटल, 104 लेवल का डंग बीटल है गाइज। यहाँ पे दो डंग बीटल मिल चुके हैं गाइज। यहाँ पे मैं दोनों बीटल्स को लेके जाने वाला हूँ। ओके यहाँ पे बिच्छू है, बिच्छू को भी मारने दो पहले, मर जा। ओके मर गया गाइज। यहाँ पे दोनों डंग बीटल को मैं लेके जाने वाला हूँ अपने घर के तरफ। बट ये डंग बीटल मेरे को मार क्यों रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे एक और मकड़ी है, उसको ख़त्म करने दो। एंड ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई, वहाँ पे एक और यार, यहाँ पे स्पॉन होते जा रहे हैं मकड़ियाँ, इसको भी मारते हैं। एंड ये डंग बीटल देखो मेरे पे आग्रो है और मेरे को मारे बिना छोड़ेगा नहीं लगता है। टॉर्च ऑन करते हैं, मैं थोड़ा सा उतर जाता हूँ थाइलाकोली से। एंड यहाँ पे अब क्या होगा। ओए ओए ओए, नहीं 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 नहीं, उसको मारना मत थाइला प्लीज 104 लेवल की मारना मत। ओके लेट्स गो गाइज। मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा इस डंग बीटल से। और ये दोनों डंग बीटल मुझे मारने को आ गए भाई। मुझे लगा डंग बीटल नहीं मारते, लेकिन ये देखो दोनों मारना स्टार्ट कर दिए। मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा ताकि ये लोग शांत हो जाए। मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही दूर जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बढ़ते आए, यहाँ पे नहीं बढ़ना भाई, यहाँ पे तो पानी आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ता तो गाइज वहाँ पे पानी के अंदर घुस जाता मैं। एंड यहाँ पे एक आइडिया मुझे लग रहा है मैं, अबे एक सेकेंड रुको, थाइलाकोली के थोड़ा पीछे करते हैं। एंड यहाँ पे ना लगातार आई ही है तो अपना आर्टिफैक्ट भी ले लेते हैं गाइज। लेट्स गो, यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट है और वो देखो आर्टिफैक्ट है, बस कोई डाइनो ना हो, कोई सड़ियल डाइनो ना हो इधर पे। ओके सारा एरिया क्लियर है गाइज। यहाँ पे अपना आर्टिफैक्ट धीरे से अपने जेब में डाल लेते हैं। हेवी गो गाइज, हेवी गो, हमारा आर्टिफैक्ट आ चुका है। अब यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं भाई, जल्दी जल्दी अपने थाइलाकोली पे चलते हैं ताकि कोई पंगा ना हो किसी दूसरे डाइनो से। लेट्स गो गाइज, हमारा आर्टिफैक्ट भी मिल चुका है हमें। मतलब ऐसे खाली पीली मैंने केव को भी क्लियर कर दिया यार, एक आर्टिफैक्ट भी ले लिया, पता भी नहीं चला। लेट्स गो गाइज, यहाँ पे डाइनो हमारा बीटल शांत हो चुका है और इसको चाहिए गाइज पहले टेम करना पड़ेगा हमें। और टेम के लिए हमें पॉटी चाहिए गाइज, हमें पूप चाहिए, वो भी लार्ज डाइनो को। देख सकते हो लार्ज एनिमल फीस चाहिए, फीस मतलब पूपी होता है गाइज। लेट्स गो, और लार्ज से तो मेरे पास है राइनियो ना था, मुझे राइनियो के पास जाना पड़ेगा गाइज। उसी के पास एक लार्ज पूप वो फेंकता है। और यहाँ दो गधे तो भाई मेरे पीछे ही पड़े हैं, इनका एग्रो कम ही नहीं हो रहा। ओके यहाँ पे हमारा देखो भाई आते साथ ही पूप के दर्शन हो चुके हैं गाइज, हमारा लार्ज पूप मिल चुका है। अभी यहाँ से सीधा चलते हैं भाई बीटल के पास एंड बीटल को उससे टेम करेंगे। हमारा बीटल गाइज पॉटी से टेम होता है, लेट्स गो वहाँ पे जल्दी से चलते हैं। एंड ये देखो मैं इसको पॉटी रख लेता हूँ अपने हॉट बार सेक्शन में एंड इसको मैं पॉटी खिलाने वाला हूँ। हेवी गो गाइज, देखो हमारा बीटल पॉटी से टेम हो चुका है, इसको जल्दी से पिकअप कर लेते हैं। एंड यहाँ पे अब मुझे पैदल लेके जाना पड़ेगा। मैंने सारे डाइनोस को तो क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अगर एक भी डाइनो स्पॉन हुआ, मकड़ी या कोई भी डाइनो, तो मेरा बैंड बजने वाला है। मैं अपने जग्गू को फॉलो करवा लेता हूँ और मेरे पीछे पीछे जग्गू आता रहेगा। अब यहाँ से दो बीटल को लेके मैं जाने वाला हूँ और मैं वेट करूँगा अपने राइनियों को दूसरा पॉटी करने का, फिर मैं दूसरे पॉटी को लेके आके दूसरे बीटल को लेके आने वाला हूँ। लेट्स गो गाइज, यहाँ पे मैंने दोनों बीटल्स को रख लिया है गाइज अपने हाथों पे। अभी यहाँ से मुझे ये तीनों को लेके जाना पड़ेगा अपने घर के पास। यहाँ पे अपने राइनियों पे चढ़ जाते हैं गाइज। यहाँ पे मेरे पास अब तीन चीज़ें हैं और तीनों को एक एक करके मुझे घर लेके जाना पड़ेगा। यार राइनियों एक साथ तीनों को उठा लेते तो मज़ा ही आ जाता है गाइज। यहाँ पे जग्गू को पहले लेके चलते हैं। यार जग्गू को लेके पहले जाएं, नहीं जग्गू को लेके नहीं जाएंगे, जग्गू स्ट्रांग है, मुझे पहले बीटल्स को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीटल को कोई मार दिया तो पंगे हो जाएंगे। यहाँ से जल्दी चलते हैं गाइस बीटल को लेके अपने घर के तरफ, और तीनों को लेके मैं धीरे धीरे करके आने वाला हूँ। पहले अपने बीटल को लेके चलेंगे, फिर उसके बाद जग्गू, फिर एक और बीटल। ओके तो यहाँ पे मैंने सबको लेके आ चुका है, यहाँ पे अपने जग्गू को भी ले आया और बीटल्स को भी लेके आ गया। अभी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ मेरे बीटल्स क्या कर रहे हैं गाइस। लेट्स गो, यहाँ से एक छलांग मारते हुए नीचे, और यहाँ पे मेरा डैमेज मिल गया मुझे। ये देखो भाई हमारे तगड़े दो बीटल्स टीम हो चुके गाइज। इन दोनों को मैं अपने फार्मिंग वाले एरिया में घुसेड़ने वाला हूँ। यहाँ पे मैं फेंक देता हूँ इसको, और इसको फेंकते कैसे हैं, ई दबा के तो नहीं, इसको फेंके कैसे भाई, इसको डबल एफ दबा के फेंकना है। अरे इसको फेंकना, ओके फेंक गया गाइज, फेंक गया।
फेंक दिया मैंने, डबल एफ दबा के हम किसी भी डायनोस को फेंक सकते हैं। लेट्स गो गाइस, अभी ये देखो हमारा बीटल तगड़ा है, इसको इनेबल वैंडरिंग कर देते क्योंकि ये घूमता रहेगा तभी ये फर्टिलाइज करेगा। लेट्स गो गाइस, यहाँ पे अपने दूसरे बीटल को भी अंदर डाल देते हैं ताकि यहाँ पे कोई दूसरा डाइनो भी आके उनको तंग ना करे। यहाँ पे अपने डाइनोस को फेंक देते हैं गाइस, दोनों बीटल अपने जगह पे आ चुके हैं और इसको भी इसके लेवल्स को बढ़ा देते हैं। एंड डिंस के इन्वेंटरी में पूप भी भरना पड़ेगा हमें, इसको भी इनेबल वैंडरिंग करते हैं। अब हमारा खेती होगा जोरदार। लेट्स गो गाइस, गेट को बंद कर देते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय।